गुड मॉर्निंग, हम जा रहे हैं इवेंट सेंटर जहाँ पर आज विशाल का इवेंट है। हमने अच्छे से रेस्ट किया, आज इमा ने अच्छे से खाना भी बना दिया था, उन्होंने हमें अपनी गाड़ी भी दे दी है, इवन विशाल को कुर्ता भी उन्होंने ही दिया है। यहाँ का जो व्यू है बहुत सुंदर है, दिन बहुत सुंदर निकला हुआ है। आपको दिन दिखाती हूँ और उसके बाद मिलते हैं इवेंट सेंटर में। क्या खा लिया? कॉफी किक कर रही क्या? ओह यस बेबी, ऊपर से जीमा ने ये खतरनाक गाड़ी दे दी फॉर्मूला 1। सो फास्ट, सो फास्ट, मैं तो चल लिया तेरी ओर रोड, तारा की हीरो रोड, तारा सब टर्बो रोड। टैलेंट की कोई कमी नहीं हमारे अंदर, और तेरे को टैलेंट की कोई कदर नहीं। ऐसे टैलेंट की किसी को कदर करनी भी नहीं है। ये माउंट आप देख रहे हैं, ये है माउंट मांगानुई। ये एक सेक्रेट पहाड़ है और अब सिर्फ नाम मात्र का लावा या वोल्केनो रह गया। पहले ऑफ कोर्स ये काफ़ी एक्टिव वोल्केनो था, इसमें आप ट्रैकिंग वगैरह के लिए जा सकते हैं। और इसके दोनों तरफ बीच है, एक तरफ है पायलट बे बीच और एक तरफ है मेन बीच। पायलट बे में आप पैडल बोर्डिंग कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर लहर काफ़ी शांत है, और मेन जो बीच है वहाँ पे आप सर्फ बोर्डिंग कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ही एक्टिव वेव है। माउंट मांगानुई का एक व्लॉग मैंने पहले बनाया हुआ है, तो इफ यू वांट यू कैन एंजॉय दैट वन टू। ये हम पहुंच गए। ये कॉफी कुछ ज्यादा ही अच्छी थी। महंगी कॉफी, महंगी चीजें मेरे साथ ही होती। लेट्स डू दिस। यहाँ पे काफी सारे लोग पहले ही अपना सेटअप करके जा चुके हैं यहाँ पर, अभी हम अपना सेटअप करना शुरू करेंगे क्योंकि कल हमारे पास टाइम नहीं था ऑब्वियसली। यहाँ हमारा सारा सेटअप हो गया है और इस बार हम ने काफी कॉन्शियस तरीके से चीजें की, बट काफी अच्छा लग रहा है। हाउ आर यू फीलिंग? अभी मैं आपको बाकी एरिया भी दिखाती हूँ, बट पहले भगवान का नाम लेके दिन की शुरुआत करते हैं। चलो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अब कुछ खिला दो, भूख लग रही है। जाके देखो कैसे ओपन हुआ। चलो तो अब सारा काम हो गया है, थोड़ी थोड़ी सी भूख भी लग रही है क्योंकि अब जो एक्साइटमेंट है वो बिल्डअप हो रहा है, नर्वसनेस जो है वो भी बिल्डअप हो रही है क्योंकि 3-4 साल बाद जो है वो ट्रैवल वापस से खुल रहा है, स्पेशली न्यूजीलैंड में। और काफ़ी सारे लोग अंदर आए हुए हैं अपना ट्रैवल बिजनेस लेके, अलग अलग जो कंपनीज हैं, अलग अलग जो पैकेजेस बेचते हैं, क्रूजेज भी काफ़ी सारे हैं। तो इट इज़ एक्साइटिंग टू सी कि ट्रैवल इंडस्ट्री के अलग अलग पार्ट से लोग आकर अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं और वापस से इंडस्ट्री जो है वो पिकअप ले रही है। एनीवे, टॉकिंग अबाउट द वेन्यू, मर्करी बे पार्क जो है वो काफ़ी बड़ा स्टेडियम है और यहाँ पे स्पोर्ट्स, कॉर्पोरेट, अलग अलग तरीके के इवेंट्स होते हैं, कॉन्सर्ट्स होते हैं। हम मर्करी बे पार्क के एक बहुत ही छोटे से लाउंज में हैं। ये बहुत छोटा लाउंज है, अगर आप इसका मैप चेक करेंगे तो इट इज़ क्वाइट अ बिग प्लेस। और अंदर चल के आपको दिखाती हूँ कि सीनियर्स एंड ट्रैवल एक्सपो क्या होता है। बेसिकली जो सीनियर्स हैं 60 ईयर्स के ऊपर हैं, उनकी लाइफ, हेल्थ एंड वेलनेस को सपोर्ट करने के लिए जितनी भी चीज़ें यूज़ हो सकती हैं उन्हें प्रमोट करने के लिए सीनियर्स एंड ट्रैवल एक्सपो लगाया जाता है। तो यहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ें दिखेंगी, ऑर्थोपेडिक बेड्स, वेलनेस और अच्छी सीटिंग, ट्रैवल इंश्योरेंस, हियरिंग लॉसेस, अलग अलग मेडिकल सपोर्ट वगैरह, हर तरीके की चीज़ें जो भी किसी को भी ज़रूरत हो सकती है अपनी लाइफ को वेल सपोर्ट करने के लिए, वो हर चीज़ अभी आपको अंदर मिलेगी। मैं ग्लिम्प्स दिखाती हूँ, ज़्यादा आपको बोर नहीं करूँगी। एंड आई विल सी यू लेटर इन द इवनिंग आफ्टर आई शो यू कि अंदर क्या क्या चल रहा है। यहाँ पे अलग अलग तरीके के जो लाउंज अवेलेबल है उनके बारे में लिखा है। और अब चलते हैं अंदर, जाते ही कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं, सीनियर्स के लिए जो स्कूटर्स होते हैं वो सारे लगे हुए हैं। इधर इवेंट एरिया है, तो होपफुली दोपहर में कुछ म्यूजिशियंस वगैरह आएंगे जो यहाँ पे प्ले करेंगे। एक कैफ़े है, अभी हम यहाँ से खाना खाएंगे। हाय। और यहाँ पे अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ों को प्रमोट करें। हेलो,
एंड हियर वी आर विशाल. यहाँ पे ये है हमारा स्टॉल, ये क्रूज का स्टॉल है. यहाँ पर कोई चैरिटी है जो आई रिलेटेड किसी डिजीज के बारे में जागरूकता फैलाती है. यहाँ पर सारे टूर्स हैं. कैथम आइलैंड है न्यूजीलैंड में, वहाँ का टूर है. यहाँ पे भी टूर लगे हुए हैं. दिस इज हेलो वर्ल्ड, ये तो बहुत बड़ी कंपनी है, हर कोई जानता है इसके बारे में. यहाँ पे कुछ क्रूज रिलेटेड इवेंट है. ये देखो एडवेंचर टूर्स, और इनकी कार्ड देख कर ही पता लग रहा है कि रोटोरुआ रीजन में जो एडवेंचर टूर्स होते हैं जैसे कि जेट बोटिंग वगैरह, उनको ये प्रमोट कर रहे हैं. यहाँ पे कोच लाइंस टूर्स है, और यहाँ से ट्रैवल मोस्टली ख़त्म हो रहा है, और अब यहाँ पे होम वेलनेस इन सब चीज़ों को लेके चीज़ें हैं. देखो अच्छे अच्छे डेकोर वगैरह. हाय, गुड मॉर्निंग. हाय, यहाँ पे ट्रस्ट है. यहाँ पर बैंक की तरफ से कुछ सुविधाएं जो सीनियर्स के लिए अवेलेबल होती है वो है. यहाँ पे भी घर वगैरह को लेके ये डबल ग्लेजिंग जो है, डबल ग्लेजिंग यूज़ की जाती है क्योंकि अगर आपके घर में सिंगल ग्लेजिंग है तो ठंड ज़्यादा रहती है. डबल ग्लेजिंग से जो बाहर की ठंड है वो अंदर नहीं आ पाती, और गर्मी भी, इसलिए डबल ग्लेजिंग को यहाँ प्रमोट किया जा रहा है. और यहाँ पर भी कुछ हेल्थ से रिलेटेड न्यूजीलैंड रेड क्रॉस है. ये ऑर्थोपेडिक बेड्स वगैरह हैं. लुक एट दिस, फैंसी स्कूटर्स, फैंसी लगते हैं बट ऑफ कोर्स सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल है. यहाँ पर कुछ आईटी सपोर्ट वगैरह, इधर कुछ इंश्योरेंस वगैरह लगे हैं, लाइफ इंश्योरेंस, ये हियरिंग लॉसेस. यहाँ पे रियल स्टेट सीनियर्स के लिए क्या स्पेशल डील हो सकती है वो. हेलो, ये ई बाइक्स लगी हुई हैं सीनियर्स के लिए, स्पेशल डिस्काउंट भी लगा. अब हम ये वापस घूम के पहुँच गए हैं खाने वाली जगह पर. तो होपफुली आपको एक आइडिया लगा इस इवेंट का. अब कुछ खाते पीते हैं और अब मैं आपसे मिलूंगी शाम को. Hello again, our expo is going really well. We are getting loads and loads of compliments for my kurta, and we are getting compliments for the pictures, the bag. We are getting compliments about the brochures we have. So it's going really well, and we got many people who are interested about India. So I took our brochures. We probably run out of brochure by the evening. I'm just thinking about tomorrow what we're going to do. So it's 3 बजे आए हैं, और अब जाके हमने काम खत्म किया है. यहाँ पे पूरे दिन खड़े होते होते पैर में बहुत ज्यादा दर्द हो गया, और वी हैड अ गुड डे, रियली गुड टर्नओवर. अगर जितने लोग आए थे उनमें से 10% भी बिजनेस आता है तो इट इज क्वाइट गुड. रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर टुमारो. अभी बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है. खाना खाने का भी टाइम नहीं मिला, और यहाँ पे वेजिटेरियन को ज्यादा ऑप्शन थे ही नहीं, तो मैंने ब्राउनी ही ली थी. और अब जाते हैं, पहले कुछ खाते हैं उसके बाद देखेंगे क्या करना है. तो हमने डिसाइड किया कि हम घर आकर ही खाना खाएंगे. तो यहाँ विशाल जीमा के लिए कुछ कुक कर रहे हैं, और जीमा ने हमें स्पेशल फील कराने के लिए आज पहनी है ये इंडियन कुर्ती, विच वॉज वेरी स्वीट ऑफ हर. तो कल जीमा की कुकिंग के बाद आज विशाल ने कुक किया है. मैंने बनाया है कढ़ाई पनीर. ऑब्वियसली सबने टेस्ट कर लिया है थोड़ा थोड़ा, बिकॉज दे कुडंट वेट, विशाल वाज टेकिंग टू लॉन्ग. और यहाँ पर हम लेके आए हैं फ्रोजन लच्छा पराठा, इसे गर्म कर लेंगे. क्या हम रुके हैं जिन्हें हम जीमा कहते हैं, उनके नेबर्स जो है उनसे भी हम लास्ट टाइम मिले थे, बट अनफॉर्चुनेटली इस टाइम उन्हें कोविड हुआ है. तो क्योंकि विशाल ने और मैंने कुकिंग की थी, तो विशाल अभी ड्रॉप करने गए हैं खाना वहाँ पे जीमा के साथ. और जब वो लोग आ जाएंगे देन वी विल हैव डिनर, और फिर हम सो जाएंगे और कल के लिए तैयारी करते हैं.